मेरी बात राहुल जी से हो रही है? जी हाँ बिल्कुल, आपकी बात राहुल जी से हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे हैं आप? अरे राहुल जी नमस्कार, मैं छोटू बाबू छपरा वाले, नाम सुना ही होगा। जी जी बिल्कुल सुना है। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? सर मैं बस एकदम टनाटन हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? हम भी बहुत टनाटन है आज। आज तो आप हिंदुस्तान के बहुत ही बड़े सुपरस्टार की कैटेगरी में खड़े हो गए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, और जिस तरीके से आज लोगों ने प्यार दिया मुझे, वाराणसी में मैं गया था देखने के लिए फिल्म अपनी खुद की, लोगों ने जी इतना प्यार दिया, इतना मुझे प्यार दिया, और इतना बम्पर ओपनिंग हुआ कि मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी इतना अच्छा ओपनिंग मिला, बहुत ज्यादा खुश हूँ। अंदर से बता नहीं सकता मैं इतना ज्यादा खुश हूँ। सोशल मीडिया और तमाम चैनलों पे कुछ वीडियो आपके चल रहे हैं, जब आप गाड़ी से एंटर किए तो पब्लिक आपको चारों तरफ से घेर रखा था, आप बजते बजाते अंदर सिनेमा हॉल में गए थे। बजते बजाते सबसे गले मिलते हैं, हंसते कूदते हाथ पैर मिलाते जुलाते अंदर की तरह। चलिए, आज कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना मुझे कल रात तो नींद ही नहीं आई, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि सुबह फिल्म आने वाली है, क्या रिस्पॉन्स होगा, जनता का रिस्पॉन्स कैसा होगा, क्या प्यार करेगी नहीं करेगी, तमाम सवाल चलते हैं दिमाग में। लेकिन मैं गया और देखा, मैं खुद भी इतना सरप्राइज हो गया देख करके कि इतना प्यार और लोग इतना चिल्ला रहे हैं मेरे नाम को और इतना प्यार दे रहे हैं सामने से, तो बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा बहुत। प्लस सावन का महीना भी है, महादेव की कृपा भी बनी हुई है वाराणसी में से, तो बहुत ही अलग ही अचंभित हो गया आज। चलिए वाराणसी की बातें कुछ और, मैं फिर पिछले हफ्ते ही बनारस से आया था, बात की जाए डार्लिंग की। एक आपका ट्रेलर में भी डायलॉग काफी फेमस हुआ था, कुछ सुनाना चाहेंगे दर्शकों को? हाँ, डायलॉग हमारा बहुत फेमस हो रहा है। डायलॉग ऐसा है, चॉकलेटी चेहरा देख के हमारा के मासूम समझ लो बड़े, अरे मार पीट में तो हमार रोआ रोआ रहा होगा, तो क्या बात ये है, डायलॉग इतना लोग अभी थिएटर में, मैं आया वाराणसी में, इतना लोग चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे इसी डायलॉग को, तो अंदर से मन बहुत ज्यादा खुश हो गया कि चलो जनता को पसंद आएगा। मैंने यूं कहे कि चॉकलेटी चेहरा की भोजपुरी सिनेमा में एंट्री हो गई। हाँ एंट्री हो गई है, जिनका रोआ रोआ भी रटा रहे हैं। चलिए बात की जाए और फिल्म की, आपके साथ भोजपुरी की श्रेणी से के नाम से मशहूर अक्षरा जी हैं, कैसा रहा काम का जी, कॉम्बिनेशन आप दोनों के बीच? बहुत अच्छा लगा अक्षरा जी के साथ काम करके, वो एक बहुत अच्छी कलाकार हैं, साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी इंसान हैं, एक अच्छी दोस्त हैं, जो जिन्होंने इतना सपोर्ट किया पूरे फिल्म के दौरान और फिल्म के बाद प्रमोशन एंड ट्रेलर लॉन्च हर जगह उन्होंने मुझे हमेशा ही सपोर्ट किया, एज एन एक्टर बहुत अच्छी है वो। जी जहां तक मेरी जानकारी है कि अभी आप शायद बनारस से पटना के लिए निकले हैं, जी 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 वहां क्या प्रोग्राम है? वहाँ बस हम मिल रहे हैं अपनी डार्लिंग अक्षरा जी से मिलने जा रहे हैं, और फिर पटना में धमाल मचाएंगे साथ मिलके अच्छा चलिए, मतलब आप वाराणसी से मुंबई निकले हैं, सॉरी वाराणसी से पटना निकले हैं अपने डार्लिंग से कल। मिलने। हाँ, अक्षरा जी से मिलने जा रहे हैं और साथ में मिलके कल फिर एक धमाल मचाएंगे पटना में। जी बिल्कुल, मैं ये बोला चाहूँ, फिल्म के प्रोड्यूसर आपके पिताजी हैं जो काफी सारी फिल्में बनाए हैं, सेट पे कैसा था पिता पुत्र का कॉम्बिनेशन, कुछ बताना चाहेंगे? काम करके तो देखिए अच्छा ही लगता है मेरे पिताजी के साथ, और क्योंकि वो फिल्में बहुत अच्छी बनाते हैं, और मेरे लिए आसान नहीं था उनसे काम लेने का, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल हैं। उनका है कि भाई नहीं, मैं बहुत प्रोफेशनल के मामले में, तो मुझे बताया कितनी मेहनत लगी मुझे उनको ये कन्विंस करने में कि नहीं मुझे एक मौका दे के दीजिए, जैसे बाकी लोग उनके पीछे आते हैं, जैसे मुझे भी लगा 2-3 साल से मैं बोल रहा था कि मुझे करना है, मौका दे के दीजिए, तो फाइनली देखिए अब मौका लगा है और काम हुआ है, अच्छे से काम हुआ है, वो भी बहुत खुश है। इस फिल्म में आया, जहां तक मुंबई में भी रिलीज हुआ है ऐसा खबर है लोगों के न्यूज के माध्यम से, आपने इस पिक्चर में रोमांस भी अक्षरा जी के साथ जबरदस्त किया है, फाइट की तो बात ही ना की जाए, मासूम चेहरा, और कुछ ऐसा वाक्य बताना चाहेंगे दर्शकों को जो अभी तक किसी भी न्यूज चैनल के माध्यम से नहीं जानते हैं? न्यूज चैनल के माध्यम से कोई नहीं जानता, ये जानेंगे कि मेरी और अक्षय जी की जोड़ी बहुत अच्छी है, कमाल की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, एक फ्रेश पेयर कह सकते हैं कि बहुत ही जो एक बवाल मचाने वाला है आगे जाकर के, और मचा रहा है आज फिल्म का फर्स्ट ओपनिंग हुई, बहुत बवाल मचा, तो बहुत अच्छा लगा, और यही कि लोगों को एक कमाल की केमिस्ट्री देखने की मिलेगी जो एक मिसिंग थी बहुत टाइम से।
भोजपुरी इंडस्ट्री है जो, उसमें एक चॉकलेटी सुपरस्टार की डायरेक्ट एंट्री हुई है। बाकी कलाकारों के लिए तो हलचल मच गया कि कौन आया नया चेहरा और क्या किसकी जगह जी लेगा। जी जी चलिए, जाते दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं दर्शकों से यही कहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से इस वक्त जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, हम बस यही कहना चाहेंगे कि आपने जिस तरीके से बाकी सबको प्यार दिया है इंडस्ट्री में, चाहे खेसारी जी हो, चाहे पवन जी हो, चाहे चिंटू जी हो, चाहे दिनेश वगैरह जी, कोई भी हो, आपने सबको खूब प्यार दिया है, सबको बहुत मौका दिया है। उसी तरीके से मुझे भी मौका दीजिए, मैं आपके इस बीच में ही हूँ और भोजपुरी का नाम बहुत ऊंचा लेके जाना चाहता हूँ, यही तमन्ना है मेरे अंदर। तो आप मुझे प्यार देते रहिए, सपोर्ट करिए और मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूँ। अभी अभी आपने दिनेश जी का जिक्र किया, दिनेश जी ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है, उन्होंने हाँ जी लंदन से जी एक जी वीडियो जी बना के जी भेजा है। जी जी हाँ, उनका मुझे कल रात ही वीडियो आया और बहुत सारी फोन पे भी बातचीत हुई उनसे, बहुत ज्यादा उन्होंने ब्लेसिंग दिया, बहुत प्यार दिया मुझे और बस आशीर्वाद दिया कि जाओ नाम रोशन करो। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती देने के लिए, समय देने के लिए। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू।